हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है अ हाईली सेंसिटिव वोल्केनिक क्ले वाज इन्वेस्टिगेटेड इन द लेबोरेटरी एंड फाउंड V2 है। जो हमने पता किया प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, तो वो थी वहाँ पे दोस्तों ये गामा वेट है। गामा वेट इसको पता चला हमको 12.56 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। सेकेंड जी की वैल्यू हमको पता चली 2.75 और ई की वैल्यू को पता चली 9.0 और डब्ल्यू की वैल्यू पता चली हमें 311 मतलब 311%। लेकिन बात क्या हुई कि अब ने हमने फिर चेक किया वैल्यू को, तो चलो वन वाज फाउंड टू बी इन कॉन्सेस्ट विद द रेस्ट, मतलब कि तीन वैल्यू के साथ कोई एक जो हो रही है वो गलत है। पूछ रहा है कि फाइंड द इनकॉन्सिस्ट वैल्यू आप एंड रिपोर्ट इट करेक्टली, तो उस गलत वैल्यू को हमको पता करिए और उसका करेक्ट क्या है वो हमको निकालना है। दोस्तों ये क्या हमको यहाँ पे हमने निकाला, लेकिन क्या हुआ इसमें से कोई वैल्यू हमको गलत पता चली, ये गलत है, टेस्ट में कोई गलती हो गई। पता बता रहा है, पूछ रहा है हमसे कि कौन सी गलती है, कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ से इन चारों में से कौन सा गलत है, उसका सही वैल्यू क्या है। दोस्तों हमको यहाँ पे सभी को ऑप्शन को गलत गलत मान करके चलना पड़ेगा और जो सही है वो निकल आएगा और फिर जो गलत है वो पता चल जाएगा। हम पहले एजम्पशन मानते हैं, फर्स्ट एजम्पशन फर्स्ट मानते हैं कि फर्स्ट वैल्यू इज मतलब गामा वेट वैल्यू इज इनकॉन्सिस्टेंट। दोस्तों अब मतलब क्या है, हम मानते हैं गामा वेट की वैल्यू गलत, चलिए ठीक है गामा वेट की वैल्यू गलत है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों की सहायता से, जो रेस्ट में तीन है इनकी सहायता से हम गामा डब्ल्यू की वैल्यू पता करेंगे या फिर गामा वेट की वैल्यू पता करेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे एस इक्वल टू, पहले हम डिग्री ऑफ सेंटर से निकालेंगे एस इक्वल टू ई सॉरी डब्ल्यू जी अपान ई, जो हमको यहाँ सारी पीछे चीज़ें पता है। तो एस डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3.11, जी की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी 2.75 और यहाँ पे जो E की वैल्यू आएगी वो है 9। जब हमने इसको रखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो I वैल्यू 0.95 आई, जो हमारी एक से कम है, चलो ठीक है मतलब कि ओके, क्योंकि हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या हो 100% से कम ही होना चाहिए, चलिए ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ S की वैल्यू को रख करके क्या करते हैं, हम गामा निकालते हैं। गामा इक्वल टू क्या होता है जी प्लस एस ई अपान वन प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू। हमने यहाँ से फिर गामा वेट की वैल्यू निकाल लिया, देखते हैं कितना आता है। जी की वैल्यू कितना है 2.75 प्लस एस की वैल्यू है 0.95 इंटू ई की वैल्यू हमारी है 9 अपान 1 प्लस 9। जब हमने इसको इस वैल्यू रखा तो हमारा जो आया गामा डब्ल्यू की वैल्यू आई 11.085 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आई। मतलब अगर हम मानते हैं कि ये सब तीनों सही हैं तो मतलब कि ये वैल्यू कैसे आई, डिफरेंट आई। मान लेते हैं दोस्तों एजम्पशन वन है, मतलब कि ये हमारी वैल्यू क्या है गलत है, हमारी वैल्यू क्या है गलत है। यदि हम माने ये गलत है और बाकी तीनों सही है, तो चलिए यहाँ तो सही है, अगर ये गलत होगा तो इसकी राइट वैल्यू क्या आ जाएगी 11.085। चलिए यहाँ ठीक ठीक है एजम्पशन वन मानते हैं, लेकिन इसके आगे अभी हमको सब कुछ चेक करना है कहीं और कोई गलत तो नहीं है। मतलब क्या करेंगे, उसको हम गलत मानेंगे फिर दो इन तीनों की सहायता से उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। आइए चलते हैं आगे, अब हम एजम्पशन मानते हैं टू मानते हैं कि जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे जी की वैल्यू सही है, जी की वैल्यू गलत है बाकी तीनों सही है। तो वो क्या करेंगे हम, अब यहाँ से फिर हम गामा डी की वैल्यू निकालेंगे। गामा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे गामा डी की बात करें तो गामा वेट अपान 1 प्लस वाटर कॉन्टेंट, ठीक इतना हमको पता है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12.56। अब यहाँ पे क्या है, हम उसको सही मान चल रहे हैं जो हमारा पहले दिया हुआ है, गामा वेट की वैल्यू हम सोच रहे हैं वही सही है और हम सोच रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है वो गलत है, वो हम देखा निकाल रहे हैं 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3.1। जो हमारी गामा डी की वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 3.06 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, चलो ठीक है यहाँ से गामा डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे, जी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जो राइट हो, यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू निकालना चाहें या फिर हमको फार्मूला पता है क्या है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। अब यहाँ से इक्वल टू निकालें ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे जी इक्वल टू निकालें ये हो जाएगा गामा डी इंटू 1 प्लस ई अपान गामा डब्लू बराबर जी। अब यहाँ से हम सारी चीज़ें रख देंगे इसी इक्वेशन में, इस वाले में यहाँ अगर गामा डी की वैल्यू पता करें तो ये हमारे निकल के 3.06 इंटू 1 प्लस ई की वैल्यू हमारे दिया है 9 और गामा डब्ल्यू 9.81। चलो यहाँ पे हमारी जी की वैल्यू निकल के आती है
यहाँ पे हमारी एक जो जी की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3.119, 3.119। अब वहाँ पे देखें तो हमारी वैल्यू कितनी है 3.119, लेकिन वहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में 2.75, मतलब कि ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। लेकिन अब क्या इसको रख के चेक करते हैं, क्या ये वाली वैल्यू जो है वो सही है कि या फिर ये गलत है, हम इसको भी चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, एस इक्वल टू ई डब्ल्यू अपान जी रखते हैं, सॉरी एस इक्वल टू डब्ल्यू जी अपान ई फॉर्मूला रखते हैं। डब्ल्यू हमारा क्या है जी 3.11 और जी को लो अभी हमने यहाँ निकाला 3.119 अपान ए की वैल्यू हमको दिया है 9। ये हमने इसको रखा तो ये वैल्यू हमारी जो आई एस की वैल्यू वो आई दोस्तों 1.0078। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा है जो हमारी क्या होती है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कभी हमारी एक से कम नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे बात होती है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी गलत है, मतलब कि जो हमने अभी वैल्यू निकाला वो गलत है, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी गामा डी वैल्यू क्या थी हमारी गलत थी, इसलिए हमारी वैल्यू गलत आई। और हमारा ये क्वेश्चन क्या था जो जी की क्वेश्चन दिया था वो क्या हो गया सही हो गया, ये हमारा एजम्पशन 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने निकाला वो गलत आया, पहले वाला क्या होगा सही होगा। फिर एक एजम्पशन मानते हैं थर्ड में, थर्ड हमारा क्या था उसमें हमारा देखिए यहाँ पे हम ई मानते हैं कि हमारा जो वाइट रेशियो है ये गलत है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। तो हम इसको चेक करेंगे, अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एजम्पशन थ्री, लेट वैल्यू ऑफ ई जो हमारा क्या है 9 के बराबर है बी इनकॉन्सिस्टेंस। अब इसको मान चलते हैं, चलिए दोस्तों इसको साथ करते हैं। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, गामा डी निकालिए, वही चीज़ जो हमने वहाँ पे किया था, क्या हुआ गामा वेट अपान 1+W। जब हमने इसको किया तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होगी 12.5 से जो क्वेश्चन में दिया था, 1+ क्वेश्चन में ये भी दिया हमारा कितना, गामा डब्ल्यू की वैल्यू दिया था 3.11। जब हमने इसको निकाला तो हमारा आया 3.06 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे ई की वैल्यू हो जाएगी जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी माइनस 1। अब ये कैसे निकला दोस्तों इसको हम बता देते हैं, हमारा जो फार्मूला था गामा डी इक्वल टू होता था जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E। अब यहाँ से 1+E की बात करें, 1+E कितनी हो जाएगी जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी। अब इसको जब वन उस तरफ ले जाएंगे ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपान गामा डी माइनस ये हो जाएगा 1। इस बार यहाँ से ई का निकला है, यहाँ सभी वैल्यू रखते हैं, जी की वैल्यू हमारे दिया हुआ है इसमें 2.75, गामा डब्ल्यू वैल्यू पता है 9.81 और गामा डी हमको पता है ये निकाले 3.06 माइनस 1। तो यहाँ पे जो ई निकला वाइड रेशियो वो आया 7.828। ये हमारा तीसरा जंक्शन चल रहा है दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि ई की वैल्यू गलत हो सकती है, यहाँ पे ई की नई वैल्यू आई। अब चलो अब ई की इस नई वैल्यू को रख करके हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लेते हैं, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी अपान ई। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.11, जी की वैल्यू होगी 2.75 अपान ई की वैल्यू होगी 7.828। अब जब ने इसको निकाला तो ये आ रहा है दोस्तों 1.092। ये भी वैल्यू क्या है 1 से गलत, 1 से ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या होगी इस कार जो हमने निकाला वो गलत है, मतलब जो उसमें दिया है वो सही है। आप उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी, लेकिन वहाँ ये ध्यान दीजिएगा हमको यहाँ क्या रखना है 11 जो हमने निकाला 08 ये रख के करेंगे और ये सही हो जाएगा पूरा हमारा क्वेश्चन। अब बात करते हैं जंक्शन 4 की, इसमें क्या हुआ हम मानते हैं लेट वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट मतलब जो है 3.11% बी इनकॉन्सिस्टेंट। अब यहाँ से भी पूरी चीज वही करेंगे और यहाँ से हम W की वैल्यू फिर निकाल लेंगे, देखिए फिर वही करेंगे गामा W गामा डी की वैल्यू निकालते हैं, गामा डी यहाँ जी गामा W 1+E रखेंगे तो 1 यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 2.75 × 9.81 अपान 1+E की वैल्यू हमारी है 9, तो यहाँ पे आया 2.698 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ठीक है, यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू ये हो जाएगा गामा वेट अपान गामा डी माइनस वन। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें दोस्तों गामा डी अपान गामा डी, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो गामा वेट कितना था 12.56 अपान 2.698 माइनस वन, तो ये हमारा जो हम वाटर करंट निकाल के आया वो आया 3.655। अब चलो इसको रख करके हम निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, देखते हैं वो कितना आता है। तो एस इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू जी अपान ए, डब्ल्यू की वैल्यू रखे 3.656, जी की वैल्यू रखे 2.75 अपान ई की वैल्यू हमने रखा है 9, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 1.117। तो यहाँ भी क्या हुआ कि वैल्यू क्या हुई, एक से ज़्यादा आ गई, मतलब जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली वो क्या है गलत है, और जो पहली वाली थी वही सही है। इस पर हम दोस्तों जिक्र करते हैं कि हमारा जो आंसर आता है वो हमारा क्या है पी, यहाँ पे ये वाला वैल्यू सही आती है, केवल हमारी गामा डी की वैल्यू यहाँ पे गलत है। इस प्रकार हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये हमारा गलत है, और सही कितना होगा दोस्तों, गामा वेट हमारा जो सही होगा वो होगा 11.085। दोस्तों ये हमारा आंसर यहाँ पे ये आता है।